हेलो एवरीवन, मैं प्रभा आप सबका मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। तो ये मैं हूँ फ्लाइट में, हम जा रहे बेंगलोर से कोलकाता। तो ये पहुँच गए कोलकाता एयरपोर्ट में। कोलकाता का एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन बेंगलोर के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम भीड़ भाड़ है। यहाँ पे थोड़ी कम लोग हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो मैंने बेंगलोर का एयरपोर्ट का शूट नहीं किया, नहीं तो डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ जाता। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, और ये है दुर्गे माँ की मूर्ति। अभी दुर्गा पूजा का फेस्टिवल भी आ रहा है। ये सब लोग वेट कर रहे हैं अपने लगेज के लिए। तो वो देखिए सूटकेस सबके आते जा रहे हैं, तो सब लोग अपने अपना सूटकेस लेने के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। कोलकाता सिटी में इसके पहले कभी भी नहीं आई हूँ, आज मेरा फर्स्ट टाइम है लाइफ में। तो आके सही में अच्छा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे भी दुर्गे माँ का फोटो है, देखिए कितना सुंदर सजाया है। तो एयरपोर्ट से तो हम घर भी आ गए थे और यहाँ पे अभी हम आए हैं मार्केट में। तो मार्केट में एक मॉल है, मॉल के अंदर देखिए क्या भीड़ चल रही है। अरे बाबा इतना ज़्यादा भीड़ मैंने बेंगलोर के मॉल में कभी नहीं देखा है। तभी दुर्गा फेस्टिवल भी आया है, तो शायद इसीलिए ज़्यादा भीड़ है, सभी लोग कुछ ना कुछ ख़रीदारी करना चाह रहे हैं। तो इस मॉल में तो ऐसी हालत हो रही थी, घुस के लग रहा था कि जान बच्चे लाखों पाए जब बाहर निकले, तो अंदर इतनी भीड़ है। और अभी कोरोना का भी टाइम है, डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन कुछ नेसेसरी सामान लेना था तो इसलिए हम भी इसी भीड़ में घुस गए। लेकिन फटाफट अपना काम निपटा बाहर भी आ गए थे, लेकिन मैंने शूट कर लिया कि देखिए कितनी भीड़ है बाबा। मैंने ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में किसी भी मॉल में। बेंगलोर के मॉल में तो कभी भी इतनी भीड़ नहीं रहती है, भले ही कितना भी डिस्काउंट मिल जाए तो भी। और यहाँ पे देखिए लोग कितना क्रेज़ी है शॉपिंग के लिए। तो मॉल से तो हमने ख़रीदारी कर ली, और मॉल के बाद जब रोड में गए ना, तो रोड का नज़ारा आप देखिएगा ये तो मॉल के अंदर का सीन है। तो ये हम आ गए रोड पे, तो रोड के दोनों साइड भी शॉप लगी हुई है, और शॉप में वही लेडीज़ आइटम में मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, फिर मेकअप के सामान है, तो उसके लिए भी बहुत भीड़ है। देखिए लोग ऐसे पागल हुए जा रहे ख़रीदारी करने के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है दुर्गा पूजा फेस्टिवल का, और सब अपनी ख़रीदारी कंप्लीट कर लेना चाह रहे हैं उसके पहले। तो जूते चप्पल मेकअप के सामान ऑर्नामेंट्स क्या नहीं है इस मार्केट में, और लोगों की भीड़ देखिए सबको ख़रीदना है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था इस भीड़ में क्या खरीदे, किन से बार्गेनिंग करें, कौन सा शॉप अच्छा, कुछ भी नहीं मालूम है। तो मैंने सिर्फ घूम लिया है और अपना कुछ ज़रूरी सामान जो चाहिए था घर के लिए, जो ज़रूरी सामान था वही मैंने लिया है। कुछ भी ये सब फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ भी सामान मैंने नहीं ख़रीदा है, जैसे बेडशीट, पिलो कवर ये सब कुछ सामान थे जो कि ख़रीदा मैंने। और यहाँ पे सिर्फ मैंने विंडो शॉपिंग कर लिया, लेकिन मार्केट में इतनी भीड़ है ना, तो मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी ख़रीदने का। और भीड़ कब कम रहेगी, कब मैं आऊँगी मुझे नहीं मालूम है। अभी तो फेस्टिवल का टाइम है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कुछ ख़रीदूँगी। अभी फेस्टिवल के बाद ही मैं आऊँगी, जब मैं अच्छे से आराम से देख सकूं और आराम से ख़रीदारी कर सकूं। इस भीड़ में तो ऐसा चल रहा है कि पता नहीं क्या लूट मची है। देखिए लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है यहाँ पे शॉपिंग के लिए, क्योंकि अभी फेस्टिवल भी आ रहा है ना, तो सबको कुछ ना कुछ ख़रीदना ही होगा। सिर्फ मैं ही हूँ कि मुझे नहीं ख़रीदना है, ख़रीदना है लेकिन अभी नहीं ख़रीदना, इतने भीड़ भाड़ में मैं तो नहीं ख़रीद पाऊँगी। लेकिन मार्केट बहुत ही अच्छा, बहुत ही अट्रैक्टिव है हर लेडीज़ के लिए। देखिए ना, सब लेडीज़ के आइटम चारों तरफ इतने अच्छे हैं ना कि मन कर रहा है कि कुछ ले लो। ये देखिए नेल पॉलिश, चूड़ी, कंगन, फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का तो इतना अच्छा मार्केट लग रहा है मुझे। ये भीड़ इतनी थी कि शूट करने में भी प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन मुझे तो शूट करना ही था क्योंकि आप सबके साथ शेयर करना था, तो मैंने कर ही लिया जैसे तैसे। क्योंकि खुद के वॉक करने का जगह नहीं है, तो वहाँ पे आप कैमरा लेके कैसे घूमोगे। हर कोई ऐसे एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे,
और वॉक करने को भी बहुत परेशानी हो रही थी, और ऊपर से ये अभी मास्क पहन पहन के इतने भीड़ में वॉक करने में और भी सांस लेने में भी तकलीफ होती है, ऐसा लग रहा था। तो इसलिए देखिए ना, काफ़ी लोगों ने मास्क पहना भी नहीं है क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ है उसके अंदर क्या, और ऊपर से गर्मी इतनी है क्योंकि कोलकाता का एनवायरनमेंट बैंगलोर जैसे नहीं है, यहाँ पे गर्मी भी है उसके अंदर इतनी भीड़ है, फिर मास्क भी पहनो, बाबा दम घुट रहा था। लेकिन कुछ भी कहूँ, यहाँ का मार्केट बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इतना अच्छा झकमक कर रहा है चारों तरफ सामानों के साथ, अट्रैक्टिव सामान के साथ, लग रहा था सब ले लो, लेकिन लेने के लिए जाना पड़ेगा, उस भीड़ के अंदर घुसना पड़ेगा, फिर खरीदारी करनी पड़ी, तो मैंने सिर्फ देखने का काम ही किया है। यहाँ मार्केट में स्नैक्स भी बहुत बिक रहे हैं, चाट पानी पूरी। तो मैंने तो कुछ खाया नहीं, लेकिन खाने का बहुत मन कर रहा था लोगों को देखकर, लेकिन इतने भीड़ में कैसे खाएं, डर भी लग रहा था कि कोरोना का टाइम है ऐसे मास्क हटा के कैसे खाएं, लेकिन लोग तो बिंदास थे, सब खाए जा रहे थे। तो जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक तो मैंने खा लिया है। एक दिन दिन के समय गई थी तब कम भीड़ था, तो मैंने वैसे भी खाया नहीं दिन के समय भी, मैं पार्सल करके घर में लेकर आ गई और फिर खा लिया। और बहुत ही यमी है यहाँ का चाट, थोड़ा सा डिफरेंस है बैंगलोर से तो डिफरेंट ही है, लेकिन बहुत ही यमी है। और यहाँ पे वो रेलवे लाइन आप लोग को दिख रहा है रोड पे, तो वो एक्चुअली रेलवे लाइन नहीं है, वो है ट्राम लाइन, तो कोलकाता में ट्राम चलती है, तो इस एरिया में भी, ये मार्केट प्लेस में भी ट्राम चलती है। तो मैं सोचती इतने भीड़ भाड़ में ट्राम गाड़ी यदि आएगी तो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ वॉक करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन रात के समय मैंने ट्राम नहीं देखा था, एक दिन मैं दिन में गई थी ये वॉइस ओवर करने से पहले, एक बार मैं गई थी तब मुझे ट्राम गाड़ी दिख गया था, तो उसका टाइमिंग मुझे नहीं मालूम, लेकिन ट्राम गाड़ी इतनी स्लो चलती है कि कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, सबको दिख जाएगा। और ये ट्राम सिर्फ कोलकाता में चलता, पूरे इंडिया में। ये देखिए खुला मार्केट है, दोनों साइड शॉप लगे हैं और लोग धक्का दे दे के एक दूसरे को जगह बनाए जा रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी करके आ, सबको आगे जाना है, सबको शॉपिंग करना है। वो देखिए बच्चे भी हैं, मम्मी पापा उनका हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, बच्चा भी इंजॉय कर रहा है, मम्मी पापा भी। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ, यदि न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।